द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। देश के करोड़ों युवा हर साल SSC और रेलवे की भर्तियों की उस एक नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं जिसके लिए उन्होंने कई सालों से मेहनत की है, दिन रात मन लगाकर पढ़ते हैं और एक सरकारी नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं। ये उनके लिए एक ड्रीम जॉब है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। 5 साल की मेहनत के बाद किसी के पास क्या ऑप्शन रहेगा। वे चाहते हैं कि एग्जाम्स और जॉइनिंग में लॉन्ग डिले ना हो, टाइमली फाइनल नतीजों को घोषित किया जाए और सर्विस उन्हें मिल जाए। वो ये भी चाहते हैं कि सरकारी नौकरियों की प्रोसेस भी उतनी ही स्मूथ हो जितनी स्मूथली देश में चुनाव हो जाते हैं। नो डिले नो एक्सक्यूज, और इसीलिए वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चला रहे हैं कि स्पीक अप फॉर SSC रेलवे। ये महज कोई एक ट्रेंड नहीं है बल्कि उनका डिजिटल प्रोटेस्ट है। बात सीधी है कि इन परीक्षाओं की तैयारी में सालों से खर्च हुए संसाधनों का ही मुद्दा नहीं है बल्कि ये उनके इमोशनल वेलबींग का भी मुद्दा है। 4-5 साल तक एक कमरे में खुद को कैद करने की तैयारी के बाद और उस नौकरी के इंतजार में वक्त काटना किसी को भी नाइटमेयर दे सकता है। ये एग्जाम ना सिर्फ DU और BHU जैसी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स देते हैं बल्कि इसमें देश के रिमोट इलाकों के युवा भी शामिल होते हैं। सोचिए कि 5 साल तक उनकी स्किल्स का क्या होता है। तैयारी करना तो कोई प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं है कि इसके बाद उनको लॉयर या प्रोफेसर या फिर डॉक्टरी का प्रोफेशन मिल जाएगा। कई बच्चे तो सोशल मीडिया पर ये तक लिख रहे हैं कि अब हमारे पास मनरेगा ही विकल्प है। आपको सुनने में हैरानी हो सकती है लेकिन बच्चे किसी हद तक सही ही कह रहे हैं। एक बार नौकरी मिल जाती है तो उसके बाद आप UPSC की तैयारी के बारे में भी सोच पाते हैं और कई बार इसी नौकरी में सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी महसूस करते हैं। इसीलिए दशकों से SSC सरकारी तंत्र की बैकबोन का काम कर रहा है क्योंकि SSC ही केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के ग्रुप B और ग्रुप C की पोस्ट की रिक्रूटमेंट करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से SSC की परीक्षाओं को दे रहे ये युवा अपने ग्रीवेंसेस को खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं। SSC CGL 2017 का मामला तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था लेकिन फाइनल नतीजे 2018 में ही घोषित किए जाने के बाद भी अभी तक कई लोग अपनी ज्वाइनिंग का ही वेट कर रहे हैं। मतलब एक वैकेंसी को भरने के लिए 3 से 5 साल का समय। और सोशल मीडिया पर युवाओं की इस मुहिम को समर्थन भी मिल रहा है। ट्विटर पर उनके लिए 13 लाख से ज्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि SSC है क्या। SSC मतलब कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। दरअसल 1967-68 में द एस्टिमेट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ने अपनी 47वीं रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन दी थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोअर कैटेगरीज की नौकरियां होती हैं उसकी रिक्रूटमेंट के लिए सर्विस सिलेक्शन कमीशन की स्थापना की जाए। और उसके बाद नवंबर 1975 में सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन को स्थापित भी किया गया लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रख दिया गया। आज हम उसे SSC के नाम से जानते हैं। कमीशन ने 26 सितंबर 1977 को क्लास 4 यानी ग्रुप C लेवल की भर्तियों की परीक्षाएं कंडक्ट करवाई लेकिन आज ये कमीशन ग्रुप B के पोस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट करता है। कमीशन को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के साथ अटेस्ट किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि SSC को लेकर युवाओं के क्या ग्रीवेंसेस हैं। PM मोदी के मन की बात के शो को मिले डिसलाइक्स की वजह से शुरू हुआ युवाओं का आंदोलन अब सोशल मीडिया पर जोर पकड़ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा SSC CGL 2018 के फाइनल रिजल्ट को लेकर आवाज उठाई जा रही है। इस एग्जाम के लिए 4 मई 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके बाद 4 जून 2019 को इस एग्जाम का प्रीलिम्स कंडक्ट कराया गया। उसी साल 11 दिसंबर को मेंस भी कंडक्ट कराया गया। 29 दिसंबर 2019 को डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तारीख थी लेकिन कमीशन के पास अब इस एग्जाम को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है। अब इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम की बात हो रही है वो है SSC CHSL 2018 के Tier 2 का एग्जाम जो सितंबर 2019 में होने वाला था लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई क्लैरिटी कमीशन के पास नहीं है। ठीक ऐसे ही SSC MTS 2019 के Tier 2 के एग्जाम की बात है जो नवंबर 2019 में कंडक्ट कराया जाना था लेकिन अभी तो कुछ अता पता नहीं। रेलवे के बाद RRB NTPC 2019 रिक्रूटमेंट की बात भी की जा रही है। इसकी घोषणा 28 फरवरी 2019 को की गई थी लेकिन अभी तक एग्जाम ही नहीं हुआ है। 1.5 साल इस बात को हो चुके हैं। तो SSC के जो 3 महत्वपूर्ण एग्जाम है उनकी जॉब प्रोफाइल्स क्या हैं कि देश के करोड़ों युवा उसकी तैयारी करते हैं।
तो सबसे पहले आता है एसएससी सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जाती है, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। नंबर दो पर आता है एसएससी सीएचएसएल मतलब कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। आप 12वीं के बाद इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। इसमें पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिविजनल क्लर्क या फिर कोर्ट क्लर्क जैसी भर्तियां देख सकते हैं। तीसरा है एसएससी एमटीएस मल्टी टास्किंग। इसमें ऑपरेटर, पीएन, गेटकीपर्स, वॉचमैन और जूनियर ऑपरेटर के साथ साथ गार्डनर की जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। अब बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम की और उसकी टाइमलाइन की कि स्टूडेंट्स के बीच गुस्सा क्यों है। दरअसल 90,000 वैकेंसी वाले इस एग्ज़ाम की घोषणा फरवरी 2019 में की गई थी, पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। उस समय बेरोजगारी का मुद्दा अपने चरम पर था। इसमें भारतीय रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइमकीपर, ट्रेन्स क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर जैसे पदों पर नियुक्तियां की जानी थी। रेलवे ने इस एग्ज़ाम के फर्स्ट स्टेज यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को जून 2019 से लेकर सितंबर 2019 के बीच कंडक्ट कराने की तारीखें दी थी, लेकिन अभी सितंबर 2020 चल रहा है, मतलब 1.5 साल हो चुका है, लेकिन एग्ज़ाम को लेकर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये हालत तब है जब देश के लगभग 2.5 करोड़ युवाओं का भविष्य इस एग्ज़ाम पर टिका हुआ है। ये बात तो थी केंद्र सरकार द्वारा रिक्रूट किए जाने वाले दो बड़े एग्ज़ाम्स की, लेकिन उसके अलावा जो राज्यों की जिम्मेदारी है उसमें भी उतनी ही ढील बरती जा रही है। जैसे बिहार जेई, UPSSSC और जो यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्तियां की जानी थी उनको लेकर भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं। युवाओं की बेरोजगारी की समस्या अब बड़ी बन गई है। सोशल मीडिया पर वे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। देखना होगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और द प्रिंट को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। मैं ज्योति यादव, द प्रिंट।